नमस्कार दोस्तों, हर साल तकरीबन 20,000 फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स फील्ड में आ रहे हैं। अब सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर्स का फील्ड में काफी एनक्रोचमेंट हुआ है, तो जॉब्स की थोड़ी सी नए ग्रेजुएट्स को दिक्कत आ रही है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर, इनके लिए क्या किया जा सकता है। मेरा एक ही कहना है कि जो होनहार लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की हिम्मत रखते हैं, उनके लिए आज भी जॉब्स की कोई कमी नहीं है। देखिए, आर्किटेक्चर एंट्रेंस में भी जब उन्होंने पार्टिसिपेट करा था तो तकरीबन जेई बी आर्च में 1,00,000 बच्चे बैठते हैं और सरकारी कॉलेजों में 1,000-1,500 मुश्किल से सीट्स हैं, जिसमें SPAs हैं, NITs वगैरह हैं। तो कंपटीशन के थ्रू वो लोग आर्किटेक्चर में आए थे, अच्छे कॉलेज उनको तभी मिले। तो वही बात जॉब्स की है। अलग अलग स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन बने हुए हैं, वो आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर की जॉब्स के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है कई जगह, उसके बाद इंटरव्यूज भी होते हैं। काफी समय से इस पे विचार चल रहा था कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें DDA के भी एग्जाम होते हैं, MCD के एग्जाम होते हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज के एग्जाम होते हैं, DMRC का एग्जाम होता है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, हरियाणा का है, पंजाब का है, तमिलनाडु का है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है। ये लोग तरह तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं अपने यहाँ आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स की भर्ती के लिए। अब इसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, एक चीज समझिए, आर्किटेक्चर में 5 साल में तकरीबन 50 सब्जेक्ट आपने पढ़े और उसके बाद पोजिशन करा, मान लीजिए MARCH करा अर्बन प्लानिंग में या हाउसिंग में या लैंडस्केपिंग में या टाउन प्लानिंग आपने करी, तो तकरीबन 20 सब्जेक्ट आपने और पढ़ ली, तो 70 के करीब सब्जेक्ट आपने पढ़े और उन सब लोगों ने पढ़े जो इन एग्जाम्स में आपके कंपिटिटर है। अब पोस्ट है 8 या 10, जो एस्पिरेंट्स हैं वो 2,000-2,500, कई कई जगह 10,000 एस्पिरेंट्स, तो उनका मुकाबला कैसे करें? पढ़ा तो आपने सब कुछ है, आता तो आपको सब कुछ है, वो जो 2-2.5-3 घंटे का एग्जाम है उस पीरियड में यहां से निकाल के उसको कंप्यूटर पे कागज पे कैसे ट्रांसफर करें? आपको एक और बड़ी अच्छी बात इसमें बताता हूं इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए। देखिए, एग्जामिनर के लिए 200 क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए तैयार करना कुछ सरल काम नहीं है। जितनी मुसीबत आपको एग्जाम देने की है, उतनी ही मुसीबत जो लोग एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है। 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कहां से लाए? सवाल तो सिलेबस में से आएगा, वो सिलेबस उनका तय है। सवाल तो कुछ भी आ सकता है कि चंडीगढ़ किसने बनाया था, सवाल तो ये आ सकता है कि प्राइमरी कलर कौन से हैं, सवाल तो ये आ सकता है कि एक ऑर्डिनरी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े। अब उस थोड़े से समय से में ये जो निकालने हैं आपको अपने दिमाग से कैसे करें, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक तैयार करा है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। इसमें ढेरों की संख्या में हमने वो सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के ऑप्शंस डाले हैं जो इस तरीके के एग्जाम्स में आते हैं, आने की संभावना है। पिछले सालों के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स की हमने कॉपीज के अंदर डाली है ताकि आप इससे अवेयर हो जाएं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, एग्जामिनर के लिए सवाल बनाना सरल काम नहीं है, तो वो लोग भी तलाश करते हैं कि कौन से 150-200 सवाल
मार्केट से पूछ ले, टाउन क्लर्क से पूछ ले, तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि पिछले सालों के एग्जामिनेशन पेपर्स उठाएं, 10 सवाल कहीं से लिए, 5 सवाल कहीं से लिए। तो दोस्तों इसलिए हमने आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करा है, अभी मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन बैंक में हमने क्या क्या डाला है, इससे आपकी अच्छी खासी मदद हो जाएगी। अगर ये सारा क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आपको मान लीजिए नहीं आता आंसर, कोई दिक्कत नहीं, पीछे आंसर की में आंसर देखिए, जैसे आप आंसर की में आंसर देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि पढ़ा आपने सब कुछ है, आपके दिमाग के कंप्यूटर में सारा स्टोर हो रखा है, उसको सिर्फ रिवाइव करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, रिफ्रेश करने की जरूरत है। अभी हम आपको अपनी पुस्तकों में दिखाते हैं किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। गेट की जब हमने तैयार की थी किताब, तो उसमें भी हमने यही प्रयास किया था कि गेट के पिछले सालों के पेपर्स हम सारे डालें, कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, थोड़ा सा बिल्डिंग्स के बारे में उनको बताएं, जो फेमस बुक्स हैं आर्किट्स ने लिखी है उसके बारे में बताएं। तो गेट की हमारी बुक से लोगों की बहुत मदद हुई, लोगों ने मेरे को टेलीफोन करा, सर आपकी किताब से हमारा गेट क्लियर हो गया, आपकी किताब से हमारा रैंक आ गया, आर्किटेक्चर एंट्रेंस की जो हमने बुक से आर की, बड़ी खुशी होती है जब लोग टेलीफोन करके बताते हैं सर मेरे नाटा में 130 नंबर आ गए, नाटा में 140 नंबर आ गए, जी में मेरे इतने परसेंट नहीं आ गए। हम आपको अभी दिखाते हैं पुस्तक में हमने क्या डाला है, तो बुक्स आपके लिए कितनी यूजफुल है। ये सारी हमारी बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल है, सारी की सारी आप लोगों के लिए तैयार की है, आपकी मदद के लिए तैयार की। दोस्तों ये वो बुक है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, क्वेश्चन बैंक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स आर्किट्स एंड टाउन प्लान्स, प्रिपेयर्ड बाई अशोक गोयल अर्जुन कमल। मैं आपको इसका दिखाता हूं, इसमें कंटेंट बताता हूं आपको क्या हमने दिया है, थोड़ी इंफॉर्मेशन आर्किट्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में दी है, फिर इंफॉर्मेशन हमने दी है उन संस्थानों के बारे में जो आपको जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन है, NBCC है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह से ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको जॉब ऑफर करती हैं, और उसमें किस तरह के पेपर्स आते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर्स दिखाता हूं जो पेपर्स इन में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आप देखिए इसको, एक पेपर मैंने खोला है अपने सामने, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर जूनियर टाउन प्लानर क्लास 2 टाउन प्लानिंग एंड वैल्यूएशन डिपार्टमेंट 2017 का। अब देखिए इसमें इस तरह का सवाल पूछा गया है, ए रोड हैविंग राइट ऑफ वे 50-60 मीटर डिजाइनेटेड फॉर इंट्रा अर्बन थ्रू ट्रैफिक विद नो फ्रंटेज एक्सेस इज कॉल्ड कलेक्टर रोड, आर्टेरियल रोड, सब आर्टेरियल रोड, फ्रीवे। फिर इस तरह का सवाल है इसमें, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड बेसिक सर्विसेज इन अ डेवलपिंग कंट्री, ब्रॉडबैंड, वाटर सप्लाई, पेव्ड रोड्स, ड्रेनेज। आगे कुछ चलते हैं, अब देखिए एक सवाल है, द कैपिटल सिटी ऑफ अमरावती इन आंध्र प्रदेश इज प्लानिंग बाई मोबिलाइजिंग लैंड थ्रू विच ऑफ द मॉडल, लैंड पुलिंग, लैंड एक्विजिशन बाई कॉन्सेंसस, प्लैंड यूनिट डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लैंड ओनर्स कंपनी बाई प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन नॉमिनेटेड बाई इंडिया फॉर रिकॉग्नाइजेशन अंडर द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट, आगरा, वाराणसी, अहमदाबाद, दिल्ली। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम इसमें, ये एक पेपर है इसरो का, इंडियन आर्किटेक्ट हु हैज बीन नेम्ड द 2018 लॉरेट ऑफ द प्रिट्जकर प्राइज आर्किटेक्चर्स मोस्ट इलस्ट्रियस अवार्ड इज। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार्ल्स कोरिया, हफीज कॉन्ट्रेक्टर, अच्युत कनविंदे, बीवी दोषी। फिर एक और सवाल है, जवाहर कला केंद्र इन जयपुर मर्जिंग द मिस्टिक पावर ऑफ द नवग्रहस एंड द मॉडर्निटी ऑफ द साइंस वाज डिजाइन बाय, चार ऑप्शन है किस आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा, राजरेवाल, चार्ल्स कोरिया, बीवी दोषी, लॉरी बेकर। फिर नेशनल बिल्डिंग कोड में से बहुत बार सवाल आते हैं, हमने क्या करा इसमें मॉक टेस्ट भी डाल दिए। मॉक टेस्ट से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप उस तरीके के ढेर सारे सवालों को याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जिनकी इन एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। अब एक
सवाल है, फाइव एलिमेंट्स ऑफ मेंटल मैप प्रपोज बाई केविन लिंच आर, ये चार ऑप्शन उसके दे रखे हैं, उसमें से पांच ऑप्शन, पांच जो उनके एलिमेंट्स हैं उसमें से आपको बताना है। अब एक इस तरह के स्लोगन्स के कई बार सवाल आ जाते हैं, लेस इज मोर इज एसोसिएटेड विद, यानी ये लेस इज मोर बात किसके साथ हम एसोसिएट करते हैं, किसने कहा था, वाल्टर ग्रुपियस, मीज वान डर रोहर, रॉबर्ट वेंचुरी, फ्रैंक लॉयड राइट। अब ओब्लिस्क पे सवाल आ रखा है, ओब्लिस्क इज द फीचर ऑफ ग्रीन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बाइजेंटाइन सिविलाइजेशन। और देखिए इस तरीके मैं आपको दिखाता हूं सवाल, अब ये सवाल है, हु डिजाइंड द स्टेडियम इन कतार वेयर FIFA वर्ल्ड कप 2020 इज टू बी हेल्ड। ये चित्र वहां नहीं आएगा, आमतौर पे वहां सिर्फ सवाल रहेगा जिसके चार ऑप्शन है, जैक रोडेस, जहा हदीद, FL राइट, कोलिन इंग्राम। ये चित्र हमने आपकी मदद के लिए, इसमें जो हमने फोटोग्राफ्स डाले हैं वो आपकी मदद के लिए डाले, वहां पर एग्जाम में फोटोग्राफ्स नहीं आएंगे, वहां पर आपको इस तरह की मदद नहीं मिल पाएगी। अब ये सवाल है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन इंडिया, हु वाज द मेन इंडियन आर्किटेक्ट इन्वॉल्व, बीवी दोषी, राजरेवाल, हिमांशु पारिक, राम सुतार। और मैं आपको इसमें सवाल दिखाता हूं, अभी लैंडस्केपिंग से रिलेटेड बड़ा अच्छा सवाल है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लैंडस्केपिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड इज नोन एज, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एर्बोरिकल्चर। पेगोडा का एक सवाल है, द टर्म पेगोडा इज रिलेटेड विद इंडस वैली, स्तूपास, इस्लामिक आर्किटेक्चर, जैपनीज गार्ड। और देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, जामा मस्जिद एक सवाल है, जामा मस्जिद किसने डिजाइन करी, जामा मस्जिद इन दिल्ली इज डिजाइन बाई चार्ल्स कोरिया, एडविन लुटियन, राजरेवाल, दारा शिको। अच्छा, इसमें फिर हमने क्या करा है, हमने साथ के साथ जवाब नहीं दिए, हम चाहते हैं आप अपना माइंड अप्लाई करें, सोचे विचारें, शायद आपके दिमाग के कंप्यूटर में से इसका उत्तर निकला है, नहीं उत्तर निकले पीछे सबके आंसर दे रखे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस किताब को कुंजी की तरह ना पढ़ें, जो क्वेश्चंस दिए हैं, चार ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन करें कि आप उसको सॉल्व कर पाए, कोशिश करें कि आपके दिमाग में जो माल भरा हुआ है, जो आपके दिमाग के कंप्यूटर में डाटा भरा हुआ है, उसमें से इसका जवाब निकला है। अब एक सवाल है बड़ा अच्छा, टिल नाउ हाउ मेनी मास्टर प्लान्स ऑफ दिल्ली हैव बीन इंप्रूव्ड, 2, 3, 4, 5। फिर एक सवाल है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं मटेरियल्स के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में सवाल आ जाएगा, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट के सवाल आ जाएंगे, कई बार आर्किटेक्चर टर्म्स के कोई सवाल आ जाएंगे, इंग्लिश बॉन्ड किसे कहते हैं, ईजमेंट क्या है, डंपी लेवल क्या है, ग्लास ब्लॉक क्या है, लेकर क्या है, टेराकोटा क्या है। अब बताइए टेराकोटा जैसा सवाल इन उसके अंदर आ जाता है, मोटा, ये हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से संबंधित भी कुछ इसके अंदर सवाल रहते हैं, उसके बारे में हमने अच्छी इंफॉर्मेशन बुक के अंदर दी है। फिर बिल्डिंग मटेरियल्स के सवाल कई बार आ जाते हैं कि रॉक्स में से सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है, ब्रिक्स के बारे में सवाल आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या है, सेकंड क्लास क्या है, इतने साधारण तक इसके अंदर सवाल आ जाते हैं कि कंक्रीट या सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है। और बताइए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था, पिछले 5-7 साल में नहा धोके सारा धुल गया आपका, तो ये जो चीज आपके दिमाग से धुल गई है वो सारी चीजें हमने इसके अंदर डाली हैं, आप इसको पढ़ेंगे। इसके बारे में कई बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सवाल आ जाते हैं, जंग्स मॉडुलस के सवाल आ जाते हैं, हुक्स लॉ का सवाल आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स के सवाल आ जाते हैं, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स के कई बार डायग्राम्स उसके अंदर आ जाते हैं जिससे रिलेटेड वो सवाल पूछ लेते हैं, वो हमने इसके अंदर डायग्राम्स के साथ बड़े विस्तार से आप लोगों को समझाया है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के बारे में बताया। फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स, पूरी एक लंबी चौड़ी हमने आर्किटेक्ट्स की लिस्ट, कहां पर वो कौन से शहर में बनी है और कौन उनका आर्किटेक्ट्स है, वो सारा बड़े अच्छे से काफी लंबी चौड़ी हमने इसमें लिस्ट डाली है।
आर्किट्स ने काफी किताबें लिखी हैं, भले ही आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो, लेकिन बहुत सारे आर्किट्स ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो बुक सेलर ऑथर्स जो आर्किट्स हैं, जिनकी जो फेमस बुक्स हैं और बड़ी उनको सराहा गया है, वो किताबों के हमने पूरी इसके अंदर डाल रखी है। जैसे चार्ल्स कुरिया की किताब है द न्यू लैंडस्केप, हमारे सीपी कुकरेजा साहब की बड़ी फेमस किताब है ट्रॉपिकल आर्किटेक्चर, फाउंटेन हेड के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है कि किसी की किताब है। फिर एक किताब है द लिविंग सिटी फ्रैंक लॉयड राइट साहब की, तो ये चिंग की किताबें तो तकरीबन सभी को मालूम है, ढेर सारी किताबें डीके चिंग की आप लोगों ने पढ़ी हैं। अब चिंग की किताब का मान लीजिए सवाल आ गया, तो आप ये समझिए कि ये आपको जो आपकी टोटल नंबर आने वाले हैं उसमें आपकी इजाफा हो जाएगा। ली कार्बुज़िएर की बुक है द रेडिएंट सिटी, ओस्कार न्यूमैन की बुक है डिफेंसिबल स्पेस, ये गेट 1991 में सवाल भी आ चुका है, गेट 1991 में गेट आर्किटेक्चर टॉम रन का जो एग्जाम होता है ये सवाल आ चुका है, मीनिंग इन वेस्टर्न आर्किटेक्चर किताब किसने लिखी थी, इस तरह के ढेरों सवाल। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जो गेट की किताब है ढेर सारे सवाल इस प्रकार के हैं जो गेट में और इसमें कॉमन है, तो अगर आपके पास कोई गेट की किताब भी है तो उससे भी आपकी बड़ी अच्छी मदद हो सकती है, गेट में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी बड़ी अच्छी मदद हो सकती है। ये सारी किताबें हमारी अमेजोन पे अवेलेबल हैं, बड़ी रीजनेबली प्राइस हैं, आप इसको आराम से अमेजोन पे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है। और सबसे बड़ी बात जो मेरी एक सोच है, मेरी और अर्जुन कमल जो हमारा को ऑथर है इस किताब का, हमारी सोच है कि रीडर को वैल्यू फॉर मनी मिले, उसको किताब की फोटोस्टेट कराने के लिए फोटोस्टेट की दुकान पर ना जाना पड़े। तो हमारी कोशिश है किताब का वो मूल्य रखा है कि तकरीबन आपको उस प्राइस पे किताब मिले जिस प्राइस पे फोटोस्टेट होती है। और सबसे बड़ी जो एक अहम बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप इस किताब को मंगाइए, 30 दिन अपने पास रखिए, आपको नहीं पसंद आ रही अमेजन को टेलीफोन कीजिए, आप उनका आदमी आएगा इस किताब को उठा ले जाएगा और आपके सारे पैसे आपको वापस हो जाएंगे, शिपिंग पैकिंग एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस वी आर गोइंग टू बेयर। और एक मजेदार बात और बताता हूं आपको, हम हजारों लाख रुपए की किताब बेचते हैं और मुश्किल से एक महीने में एक या दो किताब वापस आती है, क्यों? क्योंकि पीपल आर सेटिस्फाइड, दे आर गेटिंग वैल्यू फॉर मनी। नमस्कार, धन्यवाद।